ये तो बहुत गहरा है बे, तेरे को धक्का दूं क्या नीचे? अरे छोटी बच्ची हो क्या, गिर जाऊंगा बे नीचे। दोस्तों ये है महाराष्ट्र का पहला और इकलौता उड़ता हुआ रेस्टोरेंट। इस क्रेन की मदद से आज हम जमीन से 120 फीट की ऊंचाई में आज अपनी जान की बाजी लगा के लंच करने वाले हैं। आज हम आके पहुंच गए हैं कुछ गांव पुणे में, जहां इतनी ऊंचाई में लंच करके आज हम एक इतिहास रचने जा रहे थे। देख के भाई, कहीं तुम खुद इतिहास न बन जाओ इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के। नहीं बिल्कुल, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इतना कस के आपको इस चेयर के साथ बांधा जाता है कि अगर आप नीचे गिरे तो चेयर भी आपके साथ ही नीचे गिरेगा। नाइस। ऊपर से एक्स्ट्रा दो बंदे नीचे खड़े रहते हैं, ताकि अगर आप कभी नीचे गिरे तो वो आपको कैच कर लेंगे। What? क्यों भाई, सही बोला ना? भाई तुम बहुत पकाते हो यार। अरे इसका बेल्ट ढीला छोड़ रहे, ढीला छोड़ गया काम से। अरे दोस्तों बहन को बेल्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, इसका इंस्टा हैंडल का नाम पापा की परी है, वो उड़ जाएगी। अबे चुप माँ का मगरमच्छ। Hey, relax guys, don't fight. अगर ऐसा ही झगड़ा करोगे तो आप दोनों को नीचे फेंक दिया जाएगा। वैसे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारा जो क्रेन ऑपरेटर है वो मसाला बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमने स्पेशली दुबई से मंगवाया है। दुबई? यस, बुर्ज खलीफा तो आपने सुना ही होगा। ओह माय गॉड, यस यस। हाँ, वहाँ से बस 2000 किलोमीटर दूर मुंबई के दादर में ऑटो चलाता था ये बंदा पहले। वी आर इन सेफ हैंड्स गाइस, घबराने की जरूरत नहीं। यार हमें इतना डरा के बोलते हैं चिल करने, ऐसे कैसे होगा सर? फाइनली वो घड़ी आ जाता है और हमारा रेस्टोरेंट ग्रेविटी को मात देते हुए ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। गाइस मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि कभी इसे हवा में लटक के लंच करूंगा। दोस्तों अभी हम लगभग 50 फीट की ऊंचाई में पहुंच गए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको बता दूं कि हमने ये फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है इधर, अगर आप अपने लवर या पार्टनर को देना चाहे तो। एक्सक्यूज मी भैया, अगर कोई सिंगल है तो? सिंगल्स के लिए मैं हूँ ना, मैं ये माला उनको पहना दूंगा। दिस इज फॉर यू। वाओ थैंक्स। एंड दिस इज फॉर यू। इस गुलाब का सिर्फ 500 रुपए चार्ज लगेगा। हेलो भैया, नहीं चाहिए आपका गुलाब, ये लो रख लो। कंजूस कहेंगी। इस बीच हम इस डिलीशियस मोहितो का आनंद ले रहे थे कि अचानक आवाज आई। भैया एक सिंगल लौंडा आया है, इधर है, पकड़ो पकड़ो उसको। ले बेटा सिंगल कहेंगे। अरे भैया नहीं, माफ करो माफ करो मुझे भैया। अरे आप भी सिंगल हो? नो नो भैया, मैं शादीशुदा हूँ, एक छोटी सी बीबी है मेरी। गाइस अभी तक हमने सिर्फ आधा सफर तय किया है, अभी और दुगना ऊपर जाना है, जहाँ अंतरिक्ष में एलियंस भी नजर आ सकते हैं। ये सुनते ही मेरा फटके हाथ में आ गया। अबे क्या फट गया? वही जो सारे इंसानों की फटती है डर के मारे, कलेजा। hey! दोस्तों अब हम लगभग 120 फीट तक पहुंच चुके थे और ऊपर ऐसा फील हो रहा था कि मानो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, और ठंड के मारे मेरा हाथ कांप रहा था। अरे बहन तेरा दिमाग नीचे गिर गया, देख। गया गया गया। ओए किधर किधर? गाइस दिस इज द बेस्ट प्लेस, अपनी बीवी से छुटकारा पाना है तो धक्का दे देने का पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही मुझे मेरी बीवी की बहुत याद आई, काश तुम आज यहाँ होती, मिस यू बाबू। इस बीच एक डिलीशियस भेज सूप सर्व होता है। बहुत आनंद आ रहा है यार, अबे इसको वापस कैसे करते हैं? अबे ठीक से खींच। oh, no. नहीं हो रहा यार, अरे बचाओ मुझे। बहन वहाँ हमारी चेयर में फंस गई, पर मुझे इधर खाना भी खत्म करने का प्रेशर था, भाई इतने जो पैसे भरे थे। दूसरी तरफ क्लाइमेट जो था वो एकदम कुल्लू मनाली जैसा हो गया था। भाई क्या कर रहा है? सूप पी रहा हूँ। सूप? हाँ। धक्का दूं क्या तुझे? ए मत कर बे, नीचे गिर जाऊंगा बे, छोटी बच्ची हो क्या बे? इस तरफ इस ऊंचाई के वजह से मेरे हाथ ऑलरेडी कांप रहे थे, ऊपर से हमें ये टेस्टी टेस्टी आइटम्स भी साइड में सर्व होते जा रहे थे नॉन स्टॉप, जो कि मैं अपने हाथ से पकड़ भी नहीं पा रहा था। हे भगवान, ओ शिट मैन, ये मंचूरियन तो नीचे ही गिर गया यार। इसको नीचे नहीं गिरने दूंगा। दिस इज चिकन रुबियानी सीख, होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। ओ तेरी क्या गजब टेस्ट है बे। भाई ये मेरा सैंडल नीचे गिरा दूं क्या? नीचे जो टकला खड़ा है उसके सर पे गिरेगा। अबे पागल, जूते खाने वाले काम ना कर तू। अबे मेरा चप्पल गिर जाएगा नीचे। ओ तेरी, दोस्तों चम्मच नीचे गिर गया, मुझे जेल नहीं जाना। अबे रुक जा, नीचे गिराएगी क्या मुझे पागल। दूसरी तरफ हमारी बहन नॉन स्टॉप ठूसे जा रही थी, क्योंकि उसको तो बस पैसे वसूल करने थे। पेट भर के खाने के बाद हमारी बहन मस्त सी झपकी लेने चली गई। इस बीच मेन कोर्स सर्व होता है, जिसकी खुशबू लगते ही मेरी बहन वापस जाग जाती है ठूसने के लिए। सर ये लीजिए बिरयानी खास आपके लिए। सबसे आखिर में आता है गुलाब जामुन, जिनको पता नहीं बता दूं गुलाब जामुन के बहुत बड़े दीवाने हैं हम, पर ये जो गुलाब जामुन था
खा के ऐसा लगा मानो किसी स्वर्ग की अप्सरा ने बनाई हो। इतना मत खा बे, इतने करीब मत जा इस गुलाब जामुन के, बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ सर, बस करो प्लीज। Come on, और sir, नहीं ओनली वन लास्ट, यू कैन डू इट। मैं आपको सांड बनते देखना चाहता हूँ। मिशन सक्सेस। मजा आ गया। इस बीच कब एक घंटा खत्म हो गया पता ना चला और हम फाइनली नीचे लैंड करने लगे। अबे रुक जा रुक जा रुक जा। अबे ये तेरी स्कूटी नहीं है जो तू पैरों से रोक देगी। फाइनली दोस्तों हम सही सलामत जिंदा नीचे उतर आए। ओ भाई साहब क्या नजारा है बे, ऐसा लग रहा है जैसे हम गोवा में आ गए। गाइस बिलीव मी, ऐसे क्लाइमेट में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन रूम्स में टाइम स्पेंड करने का जो मजा है ना, नेक्स्ट लेवल का होगा यार। वाओ गाइस, हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, फुल एडवेंचर। जोक्स अपार्ट गाइस, सीरियसली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैव एवर हैड इन आवर लाइफ। यहाँ का क्लाइमेट, फूड और स्पेशली यहाँ के जो फ्रेंडली स्टाफ है ना, ये लोग इतने प्यारे हैं, आपको मन करेगा कि जाते वक्त इनको भी साथ ले चलो। सीरियसली हाईली रिकमेंडेड। फाइनली गाइस ये रोमांचक सफर खत्म होता है। वापस जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार। एंड जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर देम। जो भी मेरा ये वीडियो देख के यहाँ आएगा उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। बस बुकिंग या पेमेंट करते वक्त सिद्धी 10 कोड यूज कर लेना। अरे दोस्तों सिद्धी दास के फॉलोअर हो, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। अरे बहन तू कुछ बोले, अरे ये तो गई काम से। चलो गाइस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखे, टेक केयर। अरे बचाओ मैं नीचे गिर रहा हूँ, बचाओ। हाँ भाई उठ जा, पिक्चर खत्म हो गया।